मौलवी जाहिद को पुलिस उठा के लेके गई है, क्या ये आपने करवाया है? मैंने ही किया। मगर क्यों? क्या मेरी वजह से? हाँ, कुछ तुम्हारी वजह से और कुछ अपनी, क्योंकि शायद तुम्हारे इल्म में नहीं कि काफी दिनों से ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। ब्लैकमेल? और वो भी मौलवी जाहिद? क्यों, इस बुड्ढे के साथ रहते रहते प्यार हो गया है या भरोसा? मेरा ये मतलब नहीं था। एतबार, वफा और यकीन, इन सबसे मौलवी जाहिद का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मैं ये सब सिर्फ इसलिए कह रही थी कि दिखने में तो वो खासा शरीफ इंसान लगता है। अभी कुछ ही रोज पहले तुमने कहा था कि मौलवी को सीधा सादा समझना है, हिमाकत से कम, और अब यही बातें तुम खुद कर रही हो। अच्छा ये सब छोड़ें, मुझे ये बताएं कि अब होगा क्या? पहले तुम माँ की सूरत हाल बताओ। यहाँ तो सब बहुत परेशान हैं। दरअसल किसी को नहीं मालूम कि आखिर मौलवी जाहिद को पुलिस क्यों लेके गई है। लेकिन नासिर गया है थाने अभी। नासिर के थाने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं कॉल नहीं करूंगा इस दफा पुलिस मौलवी को नहीं छोड़ेगी। अच्छा तो तुम्हें ये शौक भी है? हाँ, मुझे इसके अलावा भी और बहुत सारे शौक हैं, जो लाइफ पार्टनर की बदसौकी और दूरी की वजह से अधूरे रह गए। किस्मत इसी का नाम है, किसी को कुछ नहीं मिलता और किसी को सब कुछ मिलकर भी कुछ नहीं मिलता। एनीवे, इतना जरूर कहूंगा कि शौक को मारना नहीं चाहिए। अब तुम आ गए हो ना, लगता है तुम्हारे साथ कुछ थोड़े शौक और पूरे हो जाएंगे। Yes, ma'am. I'm always with you. अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें मेरे साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है या मजबूरी से आते हो? सच बताऊं या डिप्लोमेसी से काम दो? सच, इसलिए कि मुझे सच ही पसंद है। मैं अक्सर घूमता रहता हूँ और आज आपके साथ इसलिए हूँ कि मैं अपनी तन्हाई को पूर कर सकूँ। इस माहौल में कभी इस खूबसूरती को, इस खुशबू को मैं महसूस नहीं कर सका, जो आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। Come on, Umair. Don't be silly. किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ ज़ुनूबा। क्या तुम्हें मेरे लहजे में सच्चाई महसूस नहीं हो रही? जज्बे अपनी ज़बान आप होते हैं और मैं इस वक्त इसलिए नजरें चुरा रही हूँ कि मुझे लगता है कि हम अच्छे दोस्त हैं, सच्चे दोस्त है ना? आजकल कौन से रिश्ते सच्चे होते हैं? तुम भी रिश्तों की डसी हुई हो और मैं भी रिश्तों की मार सह चुका हूं। क्या मतलब? मेरी यूरोप में पाकिस्तानी 50 करोड़ की जायदाद है और बाकी असासे भी, जिस पर मेरी सौतेली माँ कब्जा कर कर बैठी है, और रिश्तों ने मुझे यहाँ आकर लाकर खड़ा कर दिया। ओह, दैट्स ग्रेट। अब जब साथ खड़े हुए हो तो साथ चलने में क्या हर्ज है? जनूबा, मैं चाहता हूँ कि हम इन रास्तों पर अपने कदमों के निशान छोड़ जाएं। चलें।
सो नहीं मेरा बच्चा, तुम लोगों को भी पता नहीं मौलवी साहिब क्या है, हैं? आज तुम लोगों के दरमियान मौजूद है, समझा रहा है तुम्हें अल्लाह रसूल की बात है। अरे यहाँ खड़ा हुआ चौक पे समझा रहा था, बिला वजह उठा के पकड़ के बंद कर दिए कि क्यों शोर मचा रखा है, क्या कर रहा हूँ, ये कोई तरीका है? बताओ मुझे क्या जुर्म किया मैंने? सब बड़े बड़े शख्सियात मिलने आती है, मलिक मलिक बेटा बेटा खुदा के वास्ते मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, इन्होंने तो मुझे धक्के और मुक्के मार मार के मेरा हशर खराब कर दिया। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे थे? नहीं, मैंने कोई ब्लैकमेल नहीं किया, अल्लाह की कसम मैंने नहीं किया कुछ, मुझे तो पता ही नहीं। मुझे पता था कि तुम झूठ ही बोलोगे, इसी वजह से तुम्हारी मैंने वो कॉल रिकॉर्ड करके तुम्हारे लिए अब तक रखी हुई है। सुनना चाहोगे? तुम क्या कहोगे? मैं खुद तुम्हें सुनाता हूं। अरे तू मुझे क्या मारेगा, तू अपनी जान बचा और उस वक्त का इंतजार करके जब मैं तुझे अपने पंजे में लेकर तेरी गर्दन तोड़ दूं। क्यों, क्या अब भी तुम्हारा जवाब इनकार में होगा? देखो ये मैंने सिर्फ पहली दफा किया था, उसके बाद मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता, ये मैंने पहली दफा किया था। अभी थोड़ी सी मार पड़ी और हवा निकल गई। जब थोड़ी और मार पड़ी ना तो तुम ये भी मानोगे कि तुम वसीम के साथ मिलकर मुझे मलिक सरवतुल्ला को ब्लैकमेल कर रहे थे। वसीम के साथ? नहीं नहीं, ये झूठ झूठ है, ये झूठ है खुदा की कसम। मैं ना वसीम से मिलता हूँ ना मुझे पता है वो कहाँ है। तो फिर ठीक है, कुछ दिन मजीद रहो इस एड्रेस पर तो खुद ब खुद वसीम का असल एड्रेस याद आ जाएगा। मलिक खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना मलिक खुदा के वास्ते, क्योंकि लोग बहुत बुरी तरह मार रहे हैं, मुझे यहाँ से ले जाओ मुझे। मुझे वसीम का पता दे दो तो शायद मैं तुम्हें यहां से छुड़वा लूं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई रिश्ता भी था। बात सुनो मलिक, बेटा मैं खुदा की कसम नहीं जानता वसीम, मैं नहीं जानता वसीम कहाँ है, मुझे नहीं पता वसीम कहाँ है, मुझे नहीं पता। शायद आपको मेरा नाम याद हो। नाम तो क्या, आप पूरी की पूरी सरता पा याद है जनाब। इम्पॉसिबल वसीम, अगर तुम्हें मैं याद होती या याद आती तो तुम मुझे यूं इग्नोर नहीं करते। किसने कहा कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ? तुम्हारे बिहेवियर ने। पिछले दिनों जब हमारी बात हुई थी तुमने क्या कहा था कि एक दो दिन में मिलने आओगे,
लेकिन एक दो दिन क्या, पूरा हफ्ता गुजर गया है। Where are you? हाँ यार, मुझे याद था। Actually ये हुआ कि एक फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ था, उनको एंटरटेन करने के चक्कर में पूरा एक हफ्ता लग गया। तो मैं तुम्हारा वादा हूँ। But I'm sorry. I'm sorry, Eamon. Forgive me. हरगिज़ नहीं। जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। रूठे हो तुम, तुमको कैसे मनाऊं पिया? बोलो ना, बोलो ना। रूठे हो तुम, तुमको कैसे मनाऊं पिया? अब आयो ना लाइन पर। यू नो वसीम, इतने दिनों से बहुत सारी बातें इकट्ठा हो गई हैं, सब तुमसे शेयर करनी है। और वसीम, इतने अरसे से तुमसे दूर रह के मैंने फील किया है ना, वो भी तुम्हें बताना है। तुम आओगे ना? यू डोंट वरी अमन, मैं जरूर आऊंगा आज। ओके, बाकी बातें मिलने पर। बाय। कहाँ रह गई अम्मा यार? अरे अम्मा, क्या हो गया? इतनी आराम से बुर्का पहन रही हो, लगता है अब्बा की जरा फिक्र नहीं है तुम्हें। अमन, उस बारे सारी रात मैंने रो रो के दुआएं किया तुम्हारे बाप के लिए। तुम लड़कों ने क्या किया? बस एक तू ही गया ना थाने, और दूसरे को देखो, रात को भी आया तो मस्त आके सो गया, रवि भी बड़ा सो ही रहा है। अरे अम्मा रहने दें, इन लोगों को अब्बा का कहाँ ख्याल है? आए हाय, तुझे तो बड़ी फिक्र है ना अब्बा की, बहुत मदद कर रही है अब्बा की, बात कर रही है। आए, अब लड़ना आपस में छोड़ो, चलो चलो जल्दी चलते हैं, पता नहीं तुम्हारे बाप का क्या हाल होगा। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? वहाँ अंकल के मौकलों ने उन्हें आराम पहुँचा दिया होगा। दफा ए जीनत। जी बाजी। एक खाना बना लेना, वक्त से शाम को भी निकाल देना। चलो चलो चलो। हेलो, आई गेट कॉल। अरे बाबा, ओ बाबा, उठो, तुम्हारी खातिर करेंगे आज हम। मैं भाई, भाई माफ कर दो यार, भाई उठ, खातिर चलो 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 भाई उठ। नहीं भाई, नहीं भाई, भाई भाई मुझे माफ कर दो यार। चलो चलो चलो, मैं तुम लोगों को बद्दुआ दे दूँ तेरी। चलो इधर से लेके चल, लेके चल, इसको बंद कर भाई, चलो। इस तरह ऐसे तो ना देखो जान, ऐसे तो तुम और भी प्यारे लगते हो। ओएस आ गया तो खामखा में बदनामी होगी। ओएस तो जम के सो रहा है, तुम उसकी फिक्र ना करो, तुम बस अपना ख्याल रखा करो। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती, मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर सकती हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं जीनत नहीं हूँ जिसे तुम झुटला दोगे, मैं एक आत्मा हूँ, राधा देवी। और मैं जानती हूँ कि तुम किस बात पे परेशान हो। मलिक ने अभी तक दादा भाई के आदमियों को फोन नहीं किया। अगर तुम चाहो तो मैं दादा भाई के आदमियों को रोक सकती हूँ। तुम्हें कैसे पता ये सब?
अरे जान, मैंने तुम्हें बताया ना, इंसान नहीं हूं मैं, भूतनी हूं मैं, राधा देवी। बहुत मारा तो नहीं ना तुम्हें? दर्द तो नहीं हो रही कहीं पे? हो रहा है, बहुत मारा है, बहुत मारा है। ऐसा मारा है कि जैसे धोबी घाट पे कपड़े धोते हैं, ऐसा धोया है मुझे। तो अंकल आप अपने मवक्लों से बात करते ना, वो ही आपकी कुछ मदद कर देते। अरे बेटा, अगर मेरे मवक्किल इस चार दीवारी में आ सकते ना, तो मैं इनको पहले ही काबू कर लेता। आए आए, इस हालत में तो झूठ मत बोलो। हाँ, ये बताओ इन लोगों ने तुम्हें पकड़ा क्यों है? अरे अम्मा, पुलिस वालों से बात की है मैंने, कह रहे हैं हरेसमेंट का केस है अब्बा पे, और ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जमानत पे छोड़ेंगे, जमानत पे। अरे बेटा नासिर, बेटा कुछ कर ले अपने बाप के लिए, वरना तो ये मार मार के मेरा भुरकस निकाल देंगे। अबे बहुत बुरी तरह मारते हैं ये, जीनत नहीं आई क्या? बस मनोज, मारे को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, समझ आई? वो तुम्हें शोर समझती तो परवाह करती ना। उसे तो सफाई से कह दिया, मैं नहीं जा रही थाने वाने, मैं नहीं जा सकती। हाँ, ऐसा कहा क्या? मैं नहीं बता रही, मैं बोल रही हूँ। ऐसा तो बोलना, वैसे पिट-पिट के असर खराब हो गया मेरा, तो बेइज्जती कर रही। तुम ही इतने बेशरम हो ना, इतनी मार खाने के बाद फिर भी तुम्हें जीना की याद आ रही है। और जो तुम्हारे लिए रातों दिन दुआएं करती रहती है, उसकी तो तुमने कभी परवाह नहीं की, पूछा तक नहीं उसको। चल भाई नासिर, बुड्ढे का दिमाग अभी और सीधा होने वाला है। अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, क्यों नाराज हो रही हो? अभी इस हालत में तो नाराज मत हो मुझसे। अच्छा अब्बा, अरे कुछ पका के भेज देना भाई। हाँ, जीनत को बोलो ना तुम्हें पका के खिलाए, इधर ही आके रहे तुम्हारे साथ, पका के खिलाए तुम्हें, हमारी जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, अरे तो उससे ही बोल देना मुझे भेज देगी कुछ। मेरा मुन्ना, मेरा जानू, बता क्या सोच रहा है? तुम फिर आ गई ना, जान नहीं छोड़ोगी तुम हमारी? मेरा जानू मुझे बताएगा नहीं कि क्या बात है? मेरी बहन थी आफरीन, उसके साथ बहुत गलत हुआ, उसका शौहर था मलिक, उसने उसको मार दिया, और हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, ताकत नहीं है ना हमारे पास। मुझे उससे बदला लेना है, मुझे उससे अपनी बहन का बदला लेना है। तुम मेरे किसी काम नहीं आई, तुम कम से कम मेरी इतनी मदद करो कि मैं मलिक से अपनी बहन की मौत का बदला ले सकूं। बस जानू, इतनी सी बात? बस इतनी सी बात? मैं अपनी बहन की मौत का अब बदला लूंगा मलिक से। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? मैं आपका बिल्कुल अपना। क्या बदतमीजी है ये? Who are you? अरे यार, मैं तुम्हारा वसीम हूँ, जिसका तुम इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। What? ये क्या हालत बनाई है तुमने अपनी? कैसा कहते पे ये? हाँ यार, वो मेरा एक दोस्त है, ड्रामे में काम करता है, उसने मुझे एक रोल ऑफर किया, घसीट लिया, मैंने भी हामी भर ली, वहीं से शूट से आ रहा हूँ। Wow, that is amazing. कौन से शो में आओगे? प्लीज मुझे बताओ, मुझे भी देखना है। थिएटर प्ले है,
टीवी पे कहाँ है यार? ओह अच्छा, एनीवे खैर मुझे ये बताओ, अब तुम आइंदा मुझे तंग तो नहीं करोगे ना? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मुझे इल्म हो गया है कि नाजुक नाजुक सी लड़की मुझे चाहने लगी है। हाँ वसीम, ये बात सच है कि तुम मेरी जिंदगी में पहला प्यार बनकर आए हो, और मैं चाहूंगी कि तुम मुझे कभी धोखा ना दो, क्योंकि वसीम आई हेट प्लेयर्स। मैं तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। अब तुम्हारी दिल की तसल्ली हो गई या कुछ और कहना बाकी है? एक बात और वसीम, मैं ये बात जानती हूँ कि जिंदगी का सबसे पहला प्यार दिल से निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वसीम तुम अपने पहले प्यार को हमारे बीच में कभी मत आने देना, क्योंकि आई कैन नॉट शेयर विद यू विद एनीवन एट एनी पॉइंट। आई एम वेरी सेल्फिश फॉर माय लव। अब दिल से तमाम खदशात निकाल दो। ये दिल चाहे पहले किसी का भी था, अब सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं दिलो जान से सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहूंगा। यकीन नहीं आ रहा कि वाकई जीनत पर भूतनी है, लेकिन जिस तरह से इसने मलिक और मेरी बातों का जिक्र किया, इससे तो लगता है कि जीनत पर वाकई राधा देवी आती है, और बहुत बुरे तरीके से वो मुझ पर फिदा भी है। अगर वो वाकई भूतनी है तो मुझे राधा देवी से फायदा उठाना चाहिए। शायद वो मुझे दादा भाई के आदमियों से बचने का रास्ता बता दे। पेपर वाले, कबाड़ी वाले, रुकना जरा। रद्दी कितने की ले रहे हो? बाजी 20 रुपए किलो। 20 रुपए की? 20 रुपए से ज्यादा लगाओ, 25 रुपए है मुझे पता है। ये घुंघरू कितने का दे रहे हो? बाजी क्या उधर की हो? क्या बकवास है ये, मैं इधर की हूँ या उधर की, तुम ऐसे क्या? तुम सिर्फ ये बताओ ये घुंघरू क्या बेच रहे हो? बेचने के लिए है, जब ही तो ठेले पे रखे हैं। तो सीधे तरह बताओ ना कितने के दे रहे हो? 300 रुपए की। 300 के? 150 सही है भाई। नहीं बाजी, 200 रुपए से 1 रुपया कम नहीं होगा, इतने भी आपकी शक्ल देख के करती है। अच्छा रहने दो ना तुम्हारी बात ना मेरी बात, 170 ले लो और घुंघरू दे दो। अच्छा बाजी लाओ दो पैसे। अच्छा एक मिनट रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ अंदर से। चल मेरे दोस्त चल। चल बंद कर। देखिए जीनत, जीनत मेरी मेरी बात तो सुने आप। देखिए मुझे आपसे किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी है, और ना ही मुझे आपकी बात का यकीन है। देखिए मैं मानता हूँ आपको कुछ याद नहीं रहता, लेकिन आपने मेरा उस दिन भी हाथ पकड़ा था, और आज भी आपने मेरे करीब आने की कोशिश की थी, और ये सब इसलिए। बहुत हो गया जीशान, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, और मैं तुम्हें अब भी बहुत सख्ती से समझा रही हूँ कि मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। आप याद करने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं सच कह रहा हूँ आपसे। बहुत ही ढीठ इंसान हो तुम। अरे सुने तो सही आप। जीशान ये क्या हो रहा है? देखो यास्मीन, जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। जितना मैंने देखा वो बताने के लिए काफी है कि कौन गलत है। देखो यास्मीन, तुम लोग जब जाते हो ये मेरे आगे पीछे घूमती है, आज भी इसने मेरे करीब आने की कोशिश की थी, तब मुझे पता चला ये जो कुछ भी करती है ये खुद नहीं करती, बल्कि इसके ऊपर जो भूतनी आई हुई है राधा देवी वो करती है। भूतनी? खुद को बचाने के लिए एक नई कहानी? पहले भी इन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया था, लेकिन शुक्र है यास्मीन आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया। न जाने ये मर्द हवस के अंधेरों में खोके
रिश्तों की पहचान क्यों भूल जाते हैं? यास्मीन तुम मेरा यकीन करो, इस पर भूतनी आती है जो मेरे करीब आने की कोशिश करती है। पहले मुझे भी यकीन नहीं था कि इस पर भूतनी आती है, लेकिन इसने जब मुझे मेरी पर्सनल चीजें बताई तो मुझे यकीन हो गया कि इस पर राधा देवी नाम की कोई भूतनी आती है। देखिए जीनत, आपने कहा था ना कि मेरी परेशानियों का हल आपके पास है, आपने कहा था ना कि आप दादा भाई के आदमियों को रोक सकती हैं। प्लीज प्लीज जीनत, आप इसे बताएं ना। यास्मीन मैं सच कह रहा हूँ। काश ये सच होता। यास्मीन, आई बेटा निशान सच कह रहा है। अम्मी आपको कुछ नहीं पता, यहाँ तो अपना ही सिक्का खोटा निकला। जिशान खुद को बचाने के लिए राधा देवी का सहारा ले रहा है। नहीं बेटा, मुझे पता है जिशान सच कह रहा है, और जीनत को नहीं पता लगता उसके ऊपर कब राधा देवी आती है। वो जरूर जीनत के ऊपर आई होगी और उसने जिशान को ना फंसाने की कोशिश की होगी। हाँ मुझे बहुत दुख हुआ। क्या आप सिर्फ अपनों का ही साथ दे रही है? इस पूरे घर में सिर्फ एक मैं ही अकेली हूँ, मेरे साथ ही ज्यादती होगी। नहीं रीनत, बात ये नहीं है। तुझे नहीं पता लगता तुझ पे कब राधा देवी आती है? पहले अरसला पे आया करती थी, अब वो तेरे पे सवार होना शुरू हो गई है। हाँ मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाय मेरा बच्चा शाकता कर है। शाहजहां, ए शाहजहां, अरे मेरी शाहू, इतने सालों बाद भी मैं तुम्हें दिल से नहीं निकाल सका। आज भी मेरा दिल चाहता है कि हर आदमी मुझसे तुम्हारा ही जिक्र करे, और मैं उससे अपनी और तुम्हारी मोहब्बत का तस्करा करता रहूं। तुम्हारे जिक्र से मुझे चैन मिलता है शाहजहां। तुम वाकई शाहजहां हो, दिलों पे राज करने वाली मलका। मेरे दिल की रियासत पे अब भी तुम्हारी बादशाहत है शाहजहां। काश काश तकदीर तुम्हें मुझसे न छीनती, काश तुम मेरे हाथ की लकीरों में मौजूद होती शाहजहां। मगर इन हाथों में सब कुछ था शाहजहां। क्या नाम के तुम्हारा नाम नहीं था शाहजहां। मगर आज भी तुम्हारा नाम मेरे दिल पर नक्श है। आज भी शाहजहां, मैं हर चेहरे में तुम्हें ही ढूंढता हूं, तुम्हें ही खोजता हूं शाहजहां। क्या नाम कर, तुम्हें ही खोजता हूं, तुम्हें ही वैसे हुए। तू एक दफा अगर देख लेता ना अब्बा को, पहचानने से बाहर था वो। अरे इतना मारा है ना उन लोगों ने कि अब्बा की तो पुलिस वालों की मार तो वैसे ही मशहूर है, फेंट रहे होंगे अब्बा को। ऐसे हुए थे यार, कुछ भी हो है तो हमारा अब्बा ही। उसको छुड़ाने की हमें थोड़ी बहुत कोशिश करनी चाहिए। देखो इस उम्र में वो पुलिस वालों की मार नहीं सह सकता। अरे तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते बगैर पैसों के। एक काम तो कर सकते हैं। क्या? चंदा जमा करते हैं और अब्बा को चंदा जमा करके छुड़ाते हैं। तुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई पैसे देगा? कोई पैसे नहीं देगा, सबको पता है कि हम वापस नहीं कर सकते। कंगले नपक्के हम लोग, कोई नहीं देगा पैसे, और जब पैसे नहीं होंगे तो बाप को छुड़ा नहीं सकते। बात तो तू ठीक कह रहा है, जरा फोन बज रहा है। हेलो, हाँ सलमा कैसी हो? मैं ठीक हूँ अवेश, आप कैसे हैं? और बात हुई आपके अब्बू से? आप लोग जाके मिले उनसे? बहुत बुरा हाल है अब्बा का, क्या बताएं तुमको, हम तो खुद बहुत परेशान हैं।
तो आप लोग कोई उनके जमानत वगैरह नहीं हो सकती क्या? आप लोग कोशिश तो करें। जमानत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं जमानत हो सकती। लेकिन तुम्हें पता है ना हमारे क्या हालात हैं, और अच्छी खासी मोटी रकम चाहिए होगी अब्बा की जमानत के लिए। कुछ नहीं हो सकता। अभी यही बात मैं और नासिर भाई भी कर रहे थे। अवेस, काश मैं आपकी मदद कर सकती। अरे हाँ, मुझे याद आया, अब्बा ने 1,00,000 जमा कर रखे हैं हमारे जहेज के लिए। अगर आप लोग उनकी खुशामद करें तो वो आपको दे देंगे। सलमा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इतना हमारे बारे में सोचा। और मैं और नासिर भाई तो कुछ कोशिश कर रहे हैं पैसों का इंतजाम करने की, और नहीं हुआ तो तुम लोगों से ज़रूर मांग लेंगे। हाँ चलो ठीक है, अब मैं रखती हूँ फ़ोन। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई, कैसा? अरे फ्लॉप आइडिया है। क्यों? वो इसलिए कि उस ने हमें शेर सुना सुना के तो हमारे कान और उसके पर्दे फाड़ दिए। अब पता नहीं ये उधार उसको देंगे उसके बाद क्या क्या फट जाए हमारा। अरे भाई, मैं फटवा लूंगा, मैं पक जाऊंगा, जो भी करना है। अब सलमा की खातिर मैं इतना तो कर सकता हूँ। अरसला के जाने के गम को सलमा ही तो पूरा कर रही है यार। देख, गम मत कर, जैसी तेरी मर्जी कर तू। हाँ पता नहीं बाथरूम की टोटी कौन तोड़ गया। क्या नाम के? अरे कौन है? आया क्या नाम के? जी भाई, सलमा है। सलमा? हाँ है। क्या नाम के? आए आए, अंदर आए। आऊँ कैसे? रुक, मुझे तो मुझसे गुजर जाऊँ, सामने से आओगे तो मैं आऊँगी ना। हाँ हटो हटो सामने से। शाहू